जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। इस्लाम तशद्दुद को चाहे वो किसी भी शक्ल में हो पसंद नहीं करता है। इस्लाम का माना शांति और अमन है। बेगुनाह लोगों की जाने जाया करना कुरान ने सख्त मना किया है। अल्लाह ने फरमाया, जिसने किसी एक बेगुनाह का कत्ल किया उसका गुनाह ऐसा है कि जैसे उसने सारी तमाम इंसानियत को कत्ल कर दिया। बात यह नहीं कि कौन हारता है और कौन जीतता है, सबसे अहम बात तो यह है कि इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, इंसानियत दम तोड़ चुकी है। बहसती मुसलमान हमें मुसलमानों की जान और हिफाजत के लिए दुआ करनी चाहिए, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोगों, तुम सब एक माँ बाप की यानी आदम और हव्वा अलैहि सलाम की औलाद हो, सब आपस में भाई भाई हो। इंसानी जान की कीमत अल्लाह के नज़दीक सब उससे ज़्यादा अहम है। बेगुनाह लोगों की जान बचाने के लिए जंगें बंद होनी चाहिए। ये जंगों का दौर हरगिज नहीं है, पुरअमन बातचीत ही सब उससे बेहतरीन रास्ता है। हम संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार और सभी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों से अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द बीज बचाव कर इस अहवानियत को रोकने की पूरी पूरी कोशिश करें।